सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। 31 तारीख है, 31 जनवरी, सवेरे के 6 बज रहे हैं और हम लोग हैं रांची से निकलने को तैयार। सो आज आखिरी दिन है रांची से अपने घर पहुंचने का। तो मम्मी तैयार हो? आज घर जाने के लिए एकदम तैयार है। तो एज़ यूजुअल, पहले मेघालय जाने की बहुत खुशी थी, अब अपने घर पहुंचने की बहुत खुशी है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। सुबह सुबह निकलने का अपना एक अलग ही मज़ा है। खाली रास्ते, ठंडी ठंडी हवा, उगता हुआ सूरज। कल हमें सूरज के दर्शन ही नहीं हुए। कल सुबह से शाम तक पूरा भागलपुर से लेकर रांची तक पूरा रास्ता क्लाउडेड था। कल सूरज निकला ही नहीं कहीं रास्ते में। होपफुली आज सूर्य देवता के दर्शन होंगे। तो मैं इस वक्त पहुंच गया हूँ सिमडेगा। सिमडेगा झारखंड में ही पड़ता है। ये जो शहर है ये हॉकी के लिए बहुत फेमस है। इंडियन मेंस हॉकी टीम में और वुमेंस हॉकी टीम में सिमडेगा से बहुत सारे प्लेयर्स खेल चुके हैं। हॉकी यहाँ पे बहुत फेमस है। झारखंड वैसे भले ही थोड़े बैकवर्ड स्टेट्स में आता है, लेकिन झारखंड से काफ़ी सारे प्लेयर्स निकलते हैं जिन्हें ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। रास्ते में जब वॉकिंग कर रहा था तब एक बस निकली। अब बस निकली और जब वो बस क्रॉस की तो मेरी आंख में नीचे से आके एक पत्थर पड़ा। अब बस के अंदर से किसी ने फेंका या बस के टायर से पत्थर उड़ के लगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट मेरी आंख के बिल्कुल नीचे वो पत्थर पड़ा है। थोड़ा सा अगर ऊपर पड़ा रहता ना, सीधा आँख में पड़ता पत्थर, पर थोड़ी सी जलन हो रही है उसमें। अब चलते हैं आगे। पहले धो लेते हैं ना उसको पानी से, अच्छे से धो लो तो थोड़ा सा आराम लगता है। जरूरत नहीं है। 12:15 हो रहे हैं, 213 किलोमीटर गाड़ी चली है और आखिरकार हम आ गए हैं 4-लेन रोड्स पे। राउरकेला संबलपुर हाईवे को हम कनेक्ट कर रहे हैं अभी इस वक्त, और अब अपने घर तक पूरा रास्ता 4-लेन है। अब अपने एरोप्लेन को टेक ऑफ कराते हैं। नहीं, स्पीड तो उतनी रखो। हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले उड़ीसा छत्तीसगढ़ का बॉर्डर क्रॉस कर लिया और हम पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़। मेघालय का टूर हमारा सफलतापूर्वक समाप्त हो रहा है। मेघालय का जो टूर था ये स्टार्ट हुआ था 18 तारीख को और हमने 4 दिन लगे थे शिलांग पहुंचने में। जैसा हमने प्लान किया था कि 18 को निकलेंगे, 18, 19, 20, 21 को शिलांग पहुंच जाएंगे। शिलांग पहुंचने से पहले उमेम नाम की एक जगह है जहाँ पे एक लेक है, उमेम लेक, बहुत सुंदर लेक थी वो। वहाँ हम लोग रुके, फिर शिलांग पहुंचे। शिलांग में एक होमस्टे करके रखा था, गूगल में पहले से देख लिया था कि रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, होमस्टे में रहे। वो होमस्टे बहुत बढ़िया था, उनकी जो ओनर थी, जो होस्ट थी, वो बहुत उनने हमें बहुत कंफर्टेबल कर दिया था वहाँ पे। फिर हमने अगले दिन शिलांग की साइट सीइंग की। वॉर्ड्स लेक, कैथेड्रल चर्च, एलिफेंट फॉल्स, गोल्फ लिंक, पुलिस बाजार, डॉन बॉस्को म्यूजियम, शिलांग के आसपास जितनी जगह थी वो हमने पूरी कवर की। शिलांग बहुत सुंदर था, वहाँ पे केन का वर्क भी बहुत सारा होता है और शिलांग के मतलब मेघालय के अलग तरह के शॉल भी फेमस है। तो मैंने थोड़ी मार्केटिंग की, कुछ केन का सामान खरीदा और शॉल खरीदा। शिलांग से हम निकले और पहुंचे शोंदेनपेंग। वहाँ पे शिलांग में ही कुछ लोकल्स ने सजेस्ट किया था वहाँ जाने का। शोंदेनपेंग एक छोटा सा गांव है डॉकी रिवर के जस्ट बाजू में। उस गांव का नज़ारा कुछ ऐसा है कि गांव थोड़ी ऊंचाई पे है, पीछे नदी दिखती है, चारों तरफ पहाड़ हैं, नदी पूरी रॉक्स के बीच से होते हुए जाती है, तो बड़ा नज़ारा सुंदर है। तो हम लोग वहाँ पे एक कॉटेज में रुके थे जो पूरी विच वॉज ओवर लुकिंग, जिसके पीछे से पूरी नदी दिख रही थी। तो वहाँ पे भी हमने बोटिंग की। वहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज भी है, वहाँ वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, वहाँ कैंपिंग भी होती है। तो बढ़िया जगह थी, अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है। जो रिवर थी यहाँ की वो बहुत खूबसूरत थी, और जो आगे चल के हम छोटी सी नाव में बैठ के गए तो आगे से चट्टानों से जो पानी आ रहा था और जो वहाँ का खूबसूरती थी वो देखने लायक थी। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और पहुँचे डॉकी। डॉकी रिवर भी है और डॉकी एक छोटी सी जगह भी है जहाँ पे इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है। तो वहाँ पे नदी है, नदी बांग्लादेश की तरफ से इंडिया में बहती हुई आती है और साइड में बॉर्डर है। वहाँ पे बॉर्डर पे बीएसएफ तैनात रहती है, आर्मी के जवान तैनात रहते हैं, बट बांग्लादेश के लोग भी आते हैं और इंडियन सिटीजन्स भी आते हैं और वो आपस में मिलजुल के वहाँ पे बात कर सकते हैं, आर्मी अलाउ कर देती है। तो हम लोग भी वहाँ गए, बहुत सारे बांग्लादेशी सिटीजन्स हम लोग को मिले, कई लोगों से बात हुई, बहुत मज़ा आया वहाँ पे। वहाँ पे हम लोग ने बोट राइड भी की और फिर उसके बाद वहाँ से निकले और पहुँचे मापलोंग विलेज।
मापलोंग विलेज एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है, बहुत सकरा रास्ता जाता है। उस रास्ते को देख के ऐसा लगता नहीं था कि वो यहाँ पे कोई विलेज हो सकता है, बट वाकई में वो क्लीनेस्ट विलेज है। उसको आपको जब तक आप देखेंगे नहीं, आपको ये समझ नहीं आ पाएगा कि क्यों उसे क्लीनेस्ट विलेज कहते हैं। एकदम साफ सुथरा, एकदम बटर स्मूथ सड़कें हैं अंदर, और अच्छी से मार्किंग की हुई है सड़कों की, और कचरे का आपको नामोनिशान नहीं मिलेगा। तो मापलोंग में हम लोग एक दिन रुके, मापलोंग में रात को रुके, अगले दिन सवेरे वहाँ से निकले। मापलोंग विलेज के जस्ट जैसे ही निकलते हैं, आगे जाके एक लिविंग रूट ब्रिज आता है। लिविंग रूट ब्रिज मतलब कि पेड़ को हम लिविंग कहते हैं, और पेड़ों की जो रूट होती है उससे एक कोने से दूसरे कोने तक, मतलब पानी के ऊपर एक तरफ से दूसरी तरफ तक उसने ब्रिज बन गया था जिस पे हम चल सकते हैं, इसलिए उसको लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। वो बहुत सुंदर था और बहुत अच्छा लगा देख के। मापलोंग से हम लोग निकले और पहुंचे चेरापूंजी। चेरापूंजी में भी हमने होमस्टे लिया। ये होमस्टे वही होमस्टे था शिलोंग में, जिस होमस्टे में हम रुके थे उन्हीं ने रेफर किया था, उन्हीं के एक रिलेटिव का था, और ये भी बहुत कंफर्टेबल था। चेरापूंजी हमारे टूर की सबसे ठंडी जगह थी। चेरापूंजी और शिलोंग दोनों ही 1500 मीटर की हाइट पे हैं, बट फॉर सम रीज़न चेरापूंजी में ज़्यादा ठंड थी। वहाँ पे टेम्परेचर रात को 3 डिग्री तक गया था जब हम रुके थे। एक दिन पूरा चेरापूंजी में रुके। निकोलिकाई वाटरफॉल्स थे, वो बहुत सुंदर थे। आरवा केव्स देखे, और डबल डेकर रूट ब्रिज देखना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं गया और वो बंद मिला, बिकॉज संडे को अथॉरिटीज़ ने वहाँ पे जितने भी लोकल साइट सीइंग प्लेसेस थी वो बंद कर दी थी। तो फिर अगले दिन जो निकलने का प्लान था उसको हमने थोड़ा पोस्टपोन किया। अगले दिन सवेरे सवेरे डबल डेकर रूट ब्रिज में गया, बढ़िया दौड़ते हुए गया और दौड़ते हुए आया। डबल डेकर जो लिविंग रूट ब्रिज है वहाँ पे एक पेड़ के जो पेड़ की जो जड़ें हैं उससे 2 ब्रिज बन गए स्ट्रीम के अक्रॉस। तो वो जैसे लिविंग रूट ब्रिज मापलोंग विलेज में था वैसे ही था, लेकिन यहाँ पे 2 ब्रिज बन गए थे। एक तरह से नेचर का चमत्कार जैसा उसको बोला जा सकता है। बस वहाँ से मैं वापस चढ़ते हुए आया, गाड़ी में बैठे और सीधा पहुँच गए गुवाहाटी शिलोंग चेरापूंजी होते हुए। गुवाहाटी से फिर हमें पूरे 4 दिन लगे। गुवाहाटी से अगले दिन मैं सिलीगुड़ी पहुँचना चाहता था, बट फॉर सम रीज़न सिलीगुड़ी नहीं पहुँच पाया। एक्चुअली मेरे पैर दुख रहे थे, तो रास्ते में मैंने बीच में एक दूसरी जगह होटल ले लिया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि कोरोनेशन ब्रिज जो कि सिलीगुड़ी से पहले पड़ता है वो मुझे अगले दिन उजाले में देखने मिल गया। अगर मैं उसी दिन सिलीगुड़ी जाता तो वो अंधेरे में देखने मिलता, जो मैं ठीक से नहीं देख पाता। सेकेंडली, जब हम लोग अगले दिन माल बाजार से निकले और बिहार पहुंचे, बिहार में भारत बंद था, 4 घंटे एक जगह ट्रैफिक जाम में हमारी गाड़ी फंस गई, लोगों ने बीच में जाम कर रखा था। इसका भी एक फ़ायदा हुआ कि अगले दिन हम उस दिन हमें रात को भागलपुर में रुकना पड़ा, तो अगले दिन मम्मी ने भागलपुर में गंगा जी के दर्शन कर लिया। तो एक के बाद एक अच्छी चीज़ ही होती गई। भागलपुर से हम निकले रांची, और रांची से अब थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं भिलाई। मेघालय में खाने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि खाना चावल दाल और सब्जी यही उनका खाना है, और नॉन वेज है, तो चावल दाल और सब्जी आपको भी मिल जाती है। और टूरिस्ट के लिए वो रोटियाँ भी बनाते हैं, इसलिए रोटी भी सब जगह मिलती है। तो मेघालय जाके आपको वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन खाने का कुछ प्रॉब्लम। अगर आप मेघालय जाना चाहते हैं तो ये 5 जगह जरूर एक्सप्लोर करें, शिलोंग, चेरापूंजी, सोंदनपेंग, मापलोंग और डाउकी। इनमें से शिलोंग और चेरापूंजी में आप पूरा एक दिन स्टे करें, और बाकी जो तीनों जगह हैं वहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि शाम को जाएं और सुबह निकल जाएं। तो आई थिंक सो 1 वीक इज़ मोर देन इनफ अगर आप शिलोंग का पूरा टूर करना चाहते हैं। तो ये गड्डीबाज का ऑफिशियली दूसरा टूर था, इससे पहले हम स्पिटी जा चुके हैं। जिन लोगों ने स्पिटी की ट्रैवल सीरीज़ नहीं देखी है ज़रूर देखें। अब हम लोग मेघालय जाके आ चुके हैं, बहुत जल्द मैं अगली ट्रैवल सीरीज़ आपके सामने लेके आऊँगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आपका एक कमेंट मुझे इस तरीके के और वीडियोज़ बनाने के लिए इनकरेज करता है। कमेंट करते रहें, ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे कमेंट्स ही देने हैं। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया तो आपको क्या नहीं पसंद आया आप वो भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई एक पर्टिकुलर जगह को एक्सप्लोर करें, देश में कहीं भी हो सकती है, तो वो नीचे आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि अपने अगली ट्रैवल सीरीज़ में उस पर्टिकुलर एरिए को जो आप चाहते हैं उसको कवर करूं। तो इसलिए कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें कि आप क्या चाहते हैं गड्डीबाज अगली किस जगह पे जाए। आने वाले टाइम में मैं और बहुत सारी ट्रैवल सीरीज़ आपके सामने लेके आऊँगा। अभी 3-4 घंटे का रास्ता और बाकी है, तो अभी बढ़ते हैं अपने घर की तरफ।